घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु दोष के अनुसार इसे बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। यह है लाजवंती और इसके फ्लावर और इसकी पत्तियां बहुत काम में लगती हैं, तो इसे अपने घर में अपने गमले में गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये ज़रूर लगाएं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, चलो शुरू करते हैं। कितने छोटे से पॉट में लगा है, 10 रुपये नर्सरी वाले पॉट में लगा हुआ है। और कितना इसका प्लांट देखिए, कितना लॉन्ग हो चुका है, काफ़ी लॉन्ग हो गया है। ये इधर लगे इसके फ्लावर। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, फैट शुक्र धन्यकार करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, मेरे ये फ्री के प्लांट में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिल चुके हैं। देखिए येलो कलर का कितना ज़्यादा भर गया है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो फ्रेंड ये बीज से भी ग्रो हो जाता है और जहाँ इसके बीज गिर जाते हैं वहीं ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि हमें इसे कहीं से लाना पड़ेगा, अब जब लाएँगे जब ही ये तैयार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बीज जहाँ ही गिर जाएंगे वहीं ये ऑलरेडी तैयार हो जाएगा और ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर अपना काम ये शुरू कर देता है, जो इसका प्रोसेस है वो अपना शुरू कर देता है, मतलब फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है फ्रेंड। तो चलिए आज हम कुछ आप लोगों को कुछ जानकारी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और किसी प्लांट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी कि वो वास्तु दोष के अनुसार कितना शुभ माना जाता है और उसे घर में लगाना क्या होता है क्या नहीं होता उसमें। तो वही प्लांट है फ्रेंड, तो चलिए मैं आप लोगों को वही प्लांट आप लोगों को दिखा देती हूँ और उसके पास चलते हैं। तो चलिए प्लांट के पास चलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और देखिए ये कितना सुंदर फ्लावर खिल गया है, ये जो पर्पल हार्ट होती है ना, इसमें कितना सुंदर इसका फ्लावर हुआ है और येलो ही जैसे इसकी पत्तियां वैसे ही इसका फ्लावर खिला फ्रेंड, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर ये मोगरा खिल चुका है, ये पर्पल हार्ट है और ये खिल गया है लाल सा, मतलब खिला नहीं है, इसकी पत्तियाँ ही ऐसी हैं, ये वैसे ही भी खूबसूरत लगता है। खिलने की तो कोई बात नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ ही लाजवाब होती हैं। इधर साइड मेरे ये फ्लावर खिल चुके हैं और ये येलो आज रेड नहीं खिला हुआ है, कल खिलेगा। वैसे ही बड्स बहुत सारी लगी हैं पर खली खिलेगा, आज तो नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और ये फ्रीका इधर ये भी खिल चुका है, मैं बात कर रही थी इस प्लांट की, ये है लाजवंती, इसे हम छुई मुई भी बोलते हैं क्योंकि ये छूने से शर्मा जाती है, इसलिए हम इसे छुई मुई भी बोलते हैं और लाजवंती। फ्रेंड इसकी बहुत सारी खासियत है और बहुत इस प्लांट के आप लोग जानते ही होंगे। और इस प्लांट का सबसे बड़ी खासियत देखिए, थोड़ी सी टच हो जाते हैं ना तो ये तुरंत इसकी पत्तियाँ मतलब सिकुड़ जाती हैं। और इसके फ्लावर जो हैं ये शनिदेव को बहुत प्रिय है इसके फ्लावर, और इसके फ्लावर हमें शनिदेव को चढ़ाना चाहिए। देखिए ये शमी के जैसे हैं, जैसे शमी में फ्लावर नहीं आते यही कलर पिंक पिंक, तो थोड़ी सी उसका ये पलपल और इसमें से मतलब मिक्स है। शमी का भी इसी तरह फ्लावर होता है, बस थोड़ी अंतर होता है। तो शमी का फ्लावर तो शंकर जी को बहुत प्रिय है और ये छुई मुई का जो लाजवंती का फ्लावर ये शनिदेव को बहुत प्रिय है, तो हमें शनिदेव में इसके फ्लावर चढ़ाना चाहिए। और इसको जैसे ही हम इसके पत्तियों को टच करते हैं तो आप देखिएगा कैसे ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये देखिए है ना। तो ये प्लांट लगाने में बहुत अच्छा लगता है और इसे आप गमले में या आपके बहुत सारी जगह है तो आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, ये ऐसे सिकुड़ जाता है। देखिए किस तरह से ये बिल्कुल पत्तियाँ इसकी ऐसे ही, कितना शर्मीला है ये प्लांट। अब मैंने इसको टच किया, ये देखिए किस तरह से हो गया, एक भी अब अच्छा नहीं लगने लगा, इसको टच कर लिया था तो ये भी ऐसे ही हो गया है। अब इसको टच करती हूँ फ्रेंड, देखिएगा कैसे ये सिकुड़ना शुरू हो गया, देख लीजिए आप, जैसे इसको टच किया वैसे ये शर्म आ गया। ये प्लांट की खासियत ये है। और कहते हैं इसके ये जो पत्तियां हैं जो डायबिटीज का बीमार होता है, ये इनको पीस के खाने से ठीक होता है फ्रेंड। बहुत सारे इनके नुस्खे हैं जी, ये दवा होती हैं, ये कोई ना कोई काम में ज़रूर लगती हैं, ये आयुर्वेदिक हैं जड़ी बूटियाँ, ये कुछ ना कुछ काम में लगती ही रहती हैं। तो हमें अपने गार्डन तो कर रहे हैं तो हमें अपने गार्डन में कुछ ऐसे भी प्लांट लगाने चाहिए जो हमारे
सेहत के लिए और हमारे माने जाते हैं। फ्रेंड देखिए, छूते ही इसने अपना बदल दिया। जैसे मैं छू लूँगी ये सभी ऐसे ही सिकुड़ जाएंगी, तो मैं सभी को नहीं छूँगी, नहीं तो फिर देखने में अच्छे ही नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा ये सो गया है, अभी खिला खिला लग रहा है। पता नहीं जैसे ही इसको स्पर्श करते हैं वैसे ये पूरा अपना रंग रूप बदल ही देता है। तो शनि देव का अति प्रिय पौधा है ये, तो हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए इसको। शनि देव का अति प्रिय पौधा, इसके प्लांट के नीचे मैंने ये सब रखा हुआ है। ये शालिग्राम है शनि देव, और ये पत्थर है ऐसे, इसको आप देख लीजिए, और ये इधर बिठा दिया है। तो फ्रेंड कैसा लगा आप लोगों को, इसके फ्लावर देखिए, ये हैं इसके फ्लावर, इसके बीज भी होते हैं। ये यहाँ से फ्लावर देखिए कितने सारे अभी फ्लावर खिलने के लिए इसके बड्स लग चुकी हैं। ये खिलेगा और ये इसके यहाँ से ये जो खिल चुके हैं इनमें से बनेंगे बीज। और अच्छा अभी तो छोटा ही है, मैंने इसको अभी लेकर आई थी तो बड्स सभी में लग गई हैं खिलने के लिए। एक इधर भी लगी हैं, इधर भी लगी हैं, और इधर भी लग चुकी हैं, देख सकते हैं इसमें भी लगी हैं खिलने के लिए, सभी में लग चुकी हैं। तो ये हो गया मेरा छुई मुई का प्लांट लाजवंती, और ये इधर है ललटाना, देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग किया हुआ है, इसके फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये दो कलर में खिला, येलो और पिंक, और ये है इधर लालसा, लालसा घास इसमें लगी है, अच्छा लग रहा है ना। तो बाय बाय फ्रेंड, लम्बा गाडल लम्बा फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।